का चाय पर रोक नहीं लगा रहे हैं। उन्होंने रोजगार के नाम पर कभी मंच पे भाषण नहीं दिया। उन्होंने भाषण दिया तो मंदिर के नाम पर दिया, भाषण दिया तो मस्जिद के नाम पर दिया, कभी नौजवान को नौकरी के नाम पर भाषण नहीं। पेपर उसका पेपर लीक हो गया, क्या फायदा मोदी के जिताने से? कोई फायदा नहीं। 9 सालों में ज्यादा रिटेंशन नहीं पास हुए, भैया के जिताएंगे उसी पर बटन दबा रहे हैं। 10 साल में सिर्फ कुछ मिला है आपको? कुछ नहीं मिला है। 15 लाख हमको मिला एक बार, उसी से गाड़ी खरीदे हैं। 15 लाख एक बार मिला, उसी से गाड़ी खरीदे हैं। पूरे भारत में जीत रही है। मोदी जी कहाँ जा रहे हैं? मोदी जी तो कहते हैं कि हम 400 पार, उनको कहना चाहिए 543 पार। 543 कह देना चाहिए, 400 पार वो बेकार कहे। अरे भाई झूठ बोलना है तो वो झूठ कुछ भी बोल सकते हैं। महंगाई पर रोक नहीं लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगा रहे हैं। उन्होंने रोजगार के नाम पर कभी मंच पे गोरखपुर में हमारी मौजूदगी और पीछे अगर हम दिखाए तो इंडिया गठबंधन के दो बड़े नेताओं की जनसभा चल रही है। पीछे दिखा दे तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की सभा गोरखपुर में चल रही है। गोरखपुर में तमाम कार्यकर्ताओं की मौजूदगी है। कार्यकर्ता अगर पीछे दिखा दे तो अपने नेताओं की सुनने तमाम इस तपती धूप में दूर दूर से आए हैं। कुछ कार्यकर्ता हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? नागवेंद्र कुमार रावत। कहाँ से आए हैं? मैं गोरखपुर से हूँ। हाथों में संख लिए हैं, एक बार शुरुआत संख से हो तो। इंडिया गठबंधन को मैं जिता रहा हूँ, इंडिया गठबंधन को मैं जिता रहा हूँ। और अपने श्रीमती काजल निषाद के लिए और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए ये विजय संख नाद बज रहा है। संख से शुरुआत आपकी हो जाती है। इस बार 400 पार या फिर विपक्ष इस बार? इंडिया गठबंधन पूरे भारत में जीत रही है। अबे मोदी जी कहाँ जा रहे हैं फिर तब? मोदी जी तो कहते हैं कि हम 400 पार, उनको कहना चाहिए 543 पार। 543 कह देना चाहिए, 400 पार वो बेकारे कहे। अरे भाई झूठ बोलना है तो वो झूठ कुछ भी बोल सकते हैं। महंगाई पर रोजगारी कहा है? महंगाई पर रोक नहीं लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगा रहे हैं। उन्होंने रोजगार के नाम पर कभी मंच पे भाषण नहीं दिया। उन्होंने भाषण दिया तो मंदिर पे नाम पर दिया, भाषण दिया तो मस्जिद के नाम पर दिया, कभी नौजवान को नौकरी के नाम पे भाषण नहीं दिए। चलिए आते हैं, अब तक आते हैं। कांग्रेस का झंडा लिए कहाँ से आए हैं? हम कुशीनगर जिले से आए हैं जी। मेरा नाम ब्रजेश सिंह है और आज हम लोग रोजगार को देखते हुए, शिक्षा को देखते हुए, स्वास्थ्य को देखते हुए आज हम लोग, आज भारत का युवा जाग चुका है और पूरे होशो हवास में यहाँ का युवा पूरे जोश के साथ आज कांग्रेस का झंडा लेके अग्रसर है और कांग्रेस को इस बार जिताना है और इंडिया गठबंधन को जिताने का कार्य हमारे पूरे मोदी जी को नहीं, और मोदी जी को हाँ। मोदी जी को इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने रोजगार के नाम पर एक भी मुद्दा बात नहीं किया। 2 करोड़ रोजगार की? अरे आपने कहाँ देख लिया? उन्होंने रोजगार के नाम पर तो बिल्कुल बात नहीं किया और शिक्षा के नाम पर तो बातें नहीं किया। हम लोग बस 3 ही मुद्दा जानते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। जो भैया इस पर काम करेगा उसको हम लोग वोट देंगे और इस पे राहुल गांधी खड़ा उतरने का काम करेंगे। हाँ, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ। पीछे अखिलेश यादव बोल रहे हैं, पीछे समाजवादी पार्टी के मुखिया बोल रहे हैं। 2 लाख वोटों से काजल निषाद विजय होने जा रही है। रवि किशन कह रहे हैं हम 7 लाख वोटों से पिछले बार 2 लाख वोटों से विजय होने जा रहा है। क्या रवि किशन खत्म होने जा रहा है? उनको कोई देखा नहीं है, कोई जाना नहीं है, किसी मोहल्ले में आता नहीं है, जीत रही है। कोई पूछता है कि क्या काम हुआ है तो बोलता है हर हर महादेव का नाम लेते हैं। रवि किशन हारने के बाद सीधे बम्बई, गोरखपुर दिखेंगे नहीं, फिर गोरखपुर दिखेंगे नहीं, सीधे बम्बई जाएंगे, फिल्म दुनिया में काम करेंगे। माननीय काजल निषाद जी को जिताने जा रहे हैं, काजल निषाद को जिताएंगे, भारी मतों से। देश में किसकी सरकार आ रही है? राहुल और अखिलेश जी की। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री। अखिलेश यादव को नहीं बना? अखिलेश यादव गठबंधन, इंडिया गठबंधन है। प्रधानमंत्री का गठबंधन है, उम्मीदवार कौन, चेहरा कौन है आपका? चेहरा इस समय तो ना इंडिया गठबंधन है, चेहरा अखिलेश ही बनेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश ही बनेंगे। मैं राहुल गांधी बता रही है भैया, भैया राहुल बना दे अखिलेश बना, दोनों लोग एक ही है। जैसा कि हमारे नेताजी माननीय अखिलेश यादव जी बता चुके हैं कि प्रधानमंत्री हमारा जब टीम जीत जाएगा इंडिया गठबंधन तब डिसाइड होगा और यहां से काजल निषाद पूरी बहुमत से जीतेंगी और राहुल गांधी इस देश को चलाएंगे एक दिन। यह हम सभी गोरखपुर जनता का
आपसे वादा है कि इस बार काजल निषाद निकालेंगी मोदी जी 400 बार बात की कभी जिंदगी में नहीं आ सकते कभी जिंदगी में नहीं है ये धरती कांग्रेस का है और कांग्रेस को सरकार चलाने आता है बस इस देश को कोई चला सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस है और वह यहाँ से कांग्रेस ही जीतेगी मोदी जी एक दिन हार के वापस पीछे जाएंगे अपने क्या लगता है कि भाजपा जिस तरीके से काम कर रही है उससे विपरीत काम कर रही है भाजपा आज तक किसी ने कोई काम नहीं किया है वो सिर्फ धर्म के नाम पे लोगों को बांट रही हैं हिंदू मुस्लिम पे बांट रही हैं असल मुद्दे क्या है हमारे उनको नहीं मालूम है वो नहीं असल मुद्दों पे बात नहीं करते हैं और इनकी सरकार आ जाएगी तो ड्राइवर के ऊपर नियम कानून करेंगे ये 10 साल की सजा जरूर लाएंगे अच्छा ड्राइवरों के लिए हम ड्राइवर हैं हम ड्राइवर समर्थन करते हैं कि सरकार बदलनी चाहिए बदलेगी सरकार सरकार अवस्था बदलेगी जरूर बदलेगी 100% बदलेगी हम चेहरा देख रहे हैं अखिलेश और राहुल को युवा को सोच इनकी है युवा को नौकरी देंगे युवा के लिए हर काम अच्छा करेंगे दूसरे तरफ मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास वो तो आज 10 साल से सबका साथ हुआ है आपको क्या मिला है 10 साल में बताइए 10 साल में सिर्फ कुछ मिला है आपको कुछ नहीं मिला है 15 लाख हमको मिला है एक बार नहीं मिला अच्छा एक बार हाँ उसी से गाड़ी खरीदे हैं 15 लाख एक बार मिला उसी से गाड़ी खरीदे हैं क्या कह रहे हैं 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है यहाँ से रवि किशन सांसद जी हार रहे हैं कभी आते नहीं है तो कह रहे हम 7 लाख वोट पिछले बार जीते इस बार 10 लाख एक बार 2 लाख वोट काजल निषाद जीत रही है मोदी जी चाय बेचने चाय बेचने चार सौ पार ये बोल रहे हैं 400 पार समझ नहीं रहे महंगाई 400 पार बोल रहे हैं पेट्रोल का दाम 400 पार बोल रहे हैं राहुल गांधी जिंदाबाद क्या करें इंडिया गठबंधन 400 पार वोटों से जीत रही है मोदी जी गलत नारा दे दिए हैं 400 पार वो बोल रहे हैं 400 पार ना इंडिया गठबंधन 400 पार से जीतेगी कोई भाई कोई भाई ने कहा था हमने भी मीडिया पे आपके माध्यम से देखे थे कहा था कि कुर्सी वाला आता है 400 चिल्लाता है लेकिन लास्ट में 150 दे के जाता है वो बात गलत नहीं है सच है वो सच होगी इस बार पूरी जनता और इस उमड़ती हुई भीड़ ने मन बना लिया है कि गठबंधन को जिताना है और रोजगार और सुख समृद्धि पाना है रोजगार और मोदी जी के सरकार में नहीं 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था अगर आप प्रताप बंधु जी बता दें कहीं अगर मिला हो 10 साल में नौकरियों का और पेपर फीस जो है 500 रुपए है जो कि पहले 60 रुपए होता था एक बेरोजगार व्यक्ति 500 रुपए का फॉर्म कैसे भरेगा उससे पूछिए बढ़ा करके इन्होंने केवल भ्रष्टाचार किया है 1500 से 1500 ला दिए 1200 ला दिए कहाँ से आएगा ये पैसा मोदी जी भारत छोड़ के भागेंगे पेपर लीक जो पेपर लीक है जो युवाओं को ठगने का काम इन्होंने किया है पेपर फॉर्म शुल्क लेने के बाद जनता युवाओं को ठगने का छलने का काम किया पेपर लीक युवाओं से बातचीत कर लेते हैं पीछे समाजवादी पार्टी के मुखिया बोल रहे हैं कहाँ से आई है चाची अखिलेश यादव जीता था अखिलेश यादव जीता था मोदी जी ने फायदा नहीं बा भूखन मरल जाता नहीं पैसा 15 किलो देता 10 किलो 5 किलो मिल के क्या होगा लड़के बीए करे हैं कुछ नहीं होगा इंटर करे हैं कुछ नहीं हो गया गोरखपुर इंटर उठी गया पेपर उसका पेपर लीक हो गया क्या फायदा मोदी के जिताने से कोई फायदा नहीं 60 साल में ज्यादा जी पेंशन नहीं पास हुए एक भैया के जिताएंगे उसी पर बटन दबा रहे आज दबा कर रहे हैं महंगाई का हाल है महंगाई तो बहुत ज्यादा है भैया लड़की का शादी किया 65,000 का 1 ग्राम सोना 10 ग्राम सोना मिला है हम लोग का तो दम बर्बादी है मोदी के जिताने से कोई फायदा नहीं है मोदी के जिताने से कोई फायदा नहीं है अखिलेश भैया के जिताएंगे और किसी के नहीं जिताएंगे अखिलेश भैया के ऊपर उठी बटन पर हम दबाए हैं साइकिल पर दबाए हैं अभी अभी पार्टी के मुखिया का संबोधन चल रहा है और कार्यकर्ता पीछे मौजूद हैं ये तमाम बात बता रहे हैं कहाँ से आए थे कहाँ से आए हैं रायगंज से क्या माहौल है अच्छा है माहौल चुनावी माहौल साइकिल का है मोदी जी जाएंगे कुछ किए नहीं है ना बेरोजगारी कुछ नहीं किया है ना
पंजाब में कुछ नहीं किए हैं, न बच्चे लोग का पढ़ाई सब बर्बाद हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। किसके तरफ? अखिलेश, अखिलेश से आएंगे। प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? चेहरा तो नहीं तय आप युवा हैं, चेहरा तो नहीं तय किया गया है क्या भैया? चेहरा तो नहीं तय किया इंडियन गठबंधन? अरे इंडिया गठबंधन चेहरा तय कर, अखिलेश भैया जीते जो प्रधानमंत्री वही बनेंगे। और राहुल गांधी? अरे राहुल गांधी भी बनेंगे, जो जैसा सीट रहेगा वही बनेगा। ऐसा सीट अखिलेश भैया निकाल उसमें मोदी जी का, मोदी जी गए, मोदी जी का उम्र भी खत्म हो गया, वो गए। अरे वो गए, अब जाए अपना घंटा बजाए, योगी जी घंटा बजाए, मोदी जी जाके कहीं बनारस में धूप उबारे अपना, मोदी जी गए। क्या नाम पड़ेगा? मैं प्रकाश यादव, महाराष्ट्र सचिव समाजवादी पार्टी। क्या माहौल है चुनाव का? माहौल बहुत अच्छा चल रहा है। चुनाव जो है वो बेरोजगारी, महंगाई और संविधान बचाने की ये लड़ाई चल रही है, जिस लड़ाई में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन बहुत ही आगे निकल चुकी है। मोदी चार सौ पार की बात कह रहे हैं, 400 पार वही है कि 400 पार करने के लिए भारत का छोड़िए पाकिस्तान और बांग्लादेशों का सिटिया लाना पड़ेगा उनको, तब उनका 400 पार जाएगा। अच्छा, हिंदुस्तान में हम 400 पार कर रहे हैं? अरे कहने वाले बहुत कहते रह गए, अब के इंडिया गठबंधन शानदार तरीके से 300 से ऊपर सीट लाएगी और इंडिया गठबंधन का सरकार बनने जा रहा है। और पूरा जनता, पूरा हुजूम आप देख सकते हैं यहाँ पे, हमारे महरूम नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खातिर इतना लंबा भीड़ लगा हुआ है, लाखों की भीड़ पहुँच रही है। क्या कहते हैं चुनाव? गोरखपुर है, गोरखपुर हम गोरखपुर में जो अखिलेश यादव के पीछे जनसभा चल रही है, प्रियंका गांधी मौजूद है, अखिलेश यादव की सभा, अखिलेश यादव का वक्तव्य चल रहा है, लोग क्या बता रहे थे इस